लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आई नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। त्योहारी सीजन को देखते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भोपाल में 2 दिवसीय ग्राहक संपर्क एवं ऋण वितरण शिविर का किया आयोजन। ऋण वितरण में पहले दिन 20 करोड़ के ऋण किए स्वीकृत। मध्य प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है पहल। मिंटो हॉल में बिजनेस डेवलपमेंट मीट का किया आयोजन। लखनऊ में हुए हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या का विरोध अभी थमने का नहीं ले रहा नाम। जगह जगह पर कमलेश तिवारी की हुई हत्या का चल रहा है विरोध। त्योहारी सीजन को देखते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्राहक संपर्क एवं ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार से मंगलवार शाम तक चलने वाला ये शिविर शहर के रविंद्र भवन परिसर में आयोजित हो रहा है। ज्ञात हो कि बैंक के द्वारा त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए आउटरीच प्रोग्राम के तहत रिटेल, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के लिए 4 राज्यों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें बैंक के साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और संस्थानों के डीलर बिल्डर भी सहभागिता निभा रहे हैं। बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक शिविर के पहले दिन करीब 20 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। ब्रांचेस जो बैंक्स जो कर रही है लोकेशन डिस्ट्रिक्ट में, वो 21 से 25 तारीख के बीच में किया जा रहा है। यहाँ भोपाल में जो ये आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का जो इसका भार बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिया गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूरे भोपाल डिस्ट्रिक्ट के लिए ये प्रोग्राम 21 और 22 तारीख को अरेंज कर रहा है। इस प्रोग्राम में सारे बैंक्स, PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, NF ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कुछ कार डीलर्स एंड कुछ बिल्डर्स, ये सारे इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा SIDBI भी करेगा, NABARD भी करेगा इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट, और इसके अलावा UIDAI का भी एक स्टॉल होगा जिसमें आधार कार्ड से संबंधित जानकारी या मदद की जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम बैंकर्स जो है वो गरीब से गरीब, जो एक हर तबके के लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध किया जा सके, तो इसी मोटिव से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी त्योहारों का सीज़न है और ये त्योहारों के सीज़न में हम बैंक जो है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक है, क्रेडिट फ्लो होना चाहिए। क्रेडिट यानी लोन की सुविधाएँ जो है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर सेक्टर में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे MSME हो, चाहे रिटेल हो, चाहे अदर सेक्टर जो भी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सारे बैंक्स मिलके लोन दे सके, क्रेडिट दे सके, जिससे कि मार्केट में एक इकोनॉमी को एक बढ़ावा मिलेगा। यही गवर्नमेंट का उद्देश्य है और इसीलिए आज ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें सारे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोग्राम 3 बजे से शुरू होगा, 3 से 6 बजे तक पहला दिन, और सेकेंड डे जो रहेगा हमारा वो कल 11 बजे से लेके कल शाम के 6 बजे तक। तो ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम में आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, और उसमें हमारे जो इनवाइट किए हैं, जो लोग आने वाले हैं, उसकी अपेक्षा यह है कि एक पुराना जो हमारा खातेदार है वो आएगा और उसके साथ 5 जन नए लोग आएंगे, यानी नए लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा यहाँ पर। डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल रहता है, खाली उनको एक एक कॉपी हमें देना है, और साधारणतः अगर कोई वाहन खरीदना चाहता है तो हम उसको 1 या 2 दिन के अंदर ऋण सैंक्शन करते हैं। अगर घर खरीदना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर वो ऋण मिल जाता है, और अगर कोई अगर कमर्शियल लोन लेना चाहता है बिजनेस करने के लिए तो 7 से 10 दिन के अंदर उसको ऋण को हम सैंक्शन करके डिस्बर्स करते हैं। तो बहुत ही सुविधाजनक है, और लोगों को जो भ्रांति है या तो जो भी उनका एक मिसकंसेप्शन है कि पब्लिक सेक्टर बैंक से ऋण लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो दूर करना चाहते हैं हम। तो इसके लिए कस्टमर के पास हम जाना चाहते हैं कि कस्टमर हमारे पास आने में हिचकिचाते रहते हैं, तो हम उनके पास जाके ये उनके भ्रांति दूर करें। जैसे कि आपको अभी अवगत कराया गया है, ये भारत सरकार की जो इनिशिएटिव है वो 400 जिले में, पूरे भारतवर्ष में 400 जिले में ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पहला जो चरण था उसमें 200 के ऊपर जिले में ये किया गया है,
3 से लेकर 7 अक्टूबर के दौरान ये किया गया था। 3 और 4 अक्टूबर को यहीं भोपाल में पहला चरण। मध्य प्रदेश में छोटे और मध्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। इस सिलसिले में राजधानी के मिंटो हॉल में बिजनेस डेवलपमेंट मीट का आयोजन कॉम्पिस द्वारा कल किया जाएगा। इस मीट में संस्था के करीब 500 से अधिक कारोबारी सदस्य शामिल होंगे। कॉम्पिस संस्था के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल ने बताया कि प्रदेश के मूल निवासी कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी संस्था एक आयोजन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व CM दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश के कारोबारियों को आने वाली परेशानियों को सरकार के सामने रखा जाएगा। हमारा सोचना है कि लघु उद्योग, कुटीर और मध्यम कारोबार से प्रदेश का विकास होगा। अगर हम इन्हें सही तरीके से आगे बढ़ाएं तो प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। एक बड़ी मैग्निफिसेंट MP इंदौर में करवाई, जिससे देश के विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति भाग लिए। कमलनाथ जी ने एक बड़ा काम किया कि MOU साइन नहीं कर रहे, हमको ये करना है कि हम लोग मध्य प्रदेश में कैसे आगे बढ़े, कैसे आए और एक वातावरण में। तो वो प्रयास वाकई उनका सकारात्मक था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्था कॉम्पिस, हमारा मेन उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले, मध्य प्रदेश के निवासी, मध्य प्रदेश में व्यापार करने वाले, मध्य प्रदेश में उद्योग चलाने वाले, वो आगे बढ़े। क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में आपके यहाँ खनिज भी है, आपके यहाँ ये वन भी हैं, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश देश के मध्य में भी है और नेबर स्टेट, हमारे पड़ोसी राज्य, वो हमसे आगे क्यों है, हमको आगे होना चाहिए। तो उसी प्रयास में हमने सोचा, ये महसूस किया कि गांव-गांव, शहर-शहर गरीब लोग रहते हैं। गाँव वाले लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, जब खेती चलती तो उनको मजदूरी मिलती है, खेती नहीं होती तो बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे में भोपाल में भी काफ़ी लोग झुग्गियों में रहते हैं, ऐसे प्रदेश में कई जगह रहते होंगे शहरों में, उनके एम्प्लॉयमेंट की क्या परिस्थिति। वो चाहते हैं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो हमारे समय भी पास हो और थोड़ा सा हम काम बेहतर करें। तो हमारे जो सोचना है, कुटीर, मध्यम, लघु उद्योगों से ज़्यादा व्यवहार व्यवसाय बढ़ सकता है, छोटे छोटे आदमी को रोजगार भी मिल सकता है। और अब जंगल है, हमारे बालाघाट में बांस है, अब बांस उसका सदुपयोग हो। मैं आज से 22 साल पहले ताइवान गया था, खाली बांस के लिए अगरबत्ती के बांस देखने और बम्बू स्टिक बनाने के लिए 22 साल पहले गया था। अब वहाँ के हमारे बांस की गठानी इतनी होती है, वहाँ के बांस की गठानी इतनी होती है, 1.5 फुट का गाछ होता है, 2-2 फुट की गठान होती है। तो हम वो सब बांस डेवलप कर लें, वो मशीनें बनाने में हमसे ज़्यादा आगे है, तो हम R&D मशीनों पे करें सरकार और लोगों को सुविधा दे। और जो ये खेती है उसको, उसमें भी जैसे बांस है, दूसरी चीज़ भी है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाए। यदि ये सब आगे बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश में इसी तरक्की होती। मैं इसी चक्कर में ताइवान गया, वियतनाम गया, सब दूर गया। आज जापान छोटा सा देश है, कोरिया जरा सा देश है, जर्मनी जरा सा देश है, वहाँ मेड इन जर्मनी और मेड इन जापान का बहुत बड़ा नाम है। लखनऊ में हुए हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या का विरोध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह पर कमलेश तिवारी की हुई हत्या का विरोध चल रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने घटना के विरोध में नारेबाजी करते हुए DB मॉल चौराहे से बोर्ड ऑफिस तक रैली निकालते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की हत्या हुई है, वह जंगल राज और अराजकता का ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करके दोषियों को सजा देनी चाहिए। साथ ही कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ा है, लगातार उनकी हत्याएं की जा रही है, जिससे कि ब्राह्मण नेता व उनका परिवार डरा सहमा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। से 2 दिन पहले लखनऊ में श्री कमलेश तिवारी जी की नृशंस हत्या की गई और
वो एक क्लिपिंग चल रही थी जिसमें ये दिख रहा था कि जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो लगातार कुछ दिन पहले उनको धमकी दे रहे थे कि उन्होंने पैगंबर के खिलाफ कुछ टिप्पणी करी थी कमलेश तिवारी जी ने, उसको लेकर के उन्होंने धमकी दी थी कि 51 लाख रुपए हम इनाम देंगे कमलेश तिवारी जी की हत्या करेगा जो गर्दन काट करके लेके आएगा। उसको लेकर के जब अखिलेश सरकार थी तो उन्होंने 17 लोगों की उनकी सुरक्षा दी थी। इसके पश्चात योगी सरकार ने 4 लोगों की सुरक्षा दी और वो 4 लोगों को भी हटा लिया गया। इससे निसंदेह यह प्रतीत होता है कि योगी सरकार भी इसी आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है और योगी सरकार जिस प्रकार से उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को और जिस प्रकार से उनके प्रशासन द्वारा, पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई, उनको धक्का मुक्की की गई और उनका सहयोग नहीं किया गया, उसको लेकर के निश्चित तौर पर योगी सरकार कटघरे में है और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज व संपूर्ण ब्राह्मण समाज इस योगी सरकार की इस कार्य की घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है। और हम आप लोगों के माध्यम से योगी सरकार से यह मांग करते हैं, मोदी सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप कमलेश तिवारी जी के जो हत्यारे हैं उनको तत्काल फांसी दें और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से उसकी जांच करवाएं। हमें ना CBI में भरोसा है ना किसी भी अन्य संस्थान में भरोसा है। हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो और उस न्यायिक जांच में भी बड़े जो खंडपीठ के उच्चतम न्यायाधीश होते हैं उनसे जांच कराई जाए और अगर उनके जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो अभी तो यह अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हिंदुत्व के मसले में जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया है उसको हिंदू समाज कतई माफ नहीं करेगा और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की तो यह अगड़ाई है। पूरे भारत में इस चीज की गूंज उठेगी और हिंदुत्व की गूंज उठेगी कि कमलेश तिवारी के जिस प्रकार से निशंस हत्या की गई है उनके हत्यारों को तत्काल फांसी दी जाए। पुलिस स्मृति दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में कर्तव्य निर्वहन के दौरान राष्ट्र के लिए शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों की याद में शोक परेड कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। इस मौके पर सोमवार को सुबह लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल लालजी टंडन ने पुलिस के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने लाल परेड ग्राउंड पर पुलिस परेड की सलामी ली। पुलिस के जवानों ने आज से 60 साल पहले 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के बर्फीले क्षेत्र हॉट स्प्रिंग में चीन की सेना के साथ एक मुठभेड़ हुई थी। इसमें भारतीय पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी के 10 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तब से हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी साथियों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। राजधानी के भोपाल हाट परिसर में चल रहे रीजनल सरस मेले में सांस्कृतिक गतिविधियों के क्रम में जेल बंदियों ने सदाबहार गीतों के साथ नृत्य की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। दरअसल भोपाल हाट परिसर में संचालित किए जा रहे सरस मेले में आने वाले शहरवासियों के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी दौरान भोपाल सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सवा में 4 जान लगा दिए। अपने हुनर की कला दिखा रहे कैदियों को देख रहे लोगों को यह मानना मुश्किल हो रहा था कि यह कलाकार नहीं बल्कि कैदी है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सेंट्रल जेल के जेलर PD श्रीवास्तव के सुपुत्र आदित्य श्रीवास्तव ने भी परफॉर्मेंस देखकर मौजूद लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जी अपना नाम बताइए। आदित्य श्रीवास्तव। कौन सी क्लास में आप? 5th। जी आज आपने भोपाल हाट बाजार में परफॉर्मेंस किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कितने गाने का शौक कब से है आपको? जब मैं 5 साल का था तब से। ये कौन सिखा था आपको गाने? एक इम्तियाज खान करके। कितना टाइम लगाते थे आप एक सिंगिंग में देने में दिन भर में? 1 या 2 घंटा। कौन कौन से गाने आपके फेवरेट हैं? आपने अभी तक कौन कौन से गाने गाए? अभी मैंने रश्के कमर गाया और बुलेया मेरा मेरे फेवरेट है। आपने स्कूल में भी परफॉर्मेंस किया है इस गाने को लेके? हाँ। कौन से सिंगर को अपना सबसे पसंदीदा सिंगर? अरिजीत सिंह। देखिए भोपाल हाट में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने एक सरस मेले का आयोजन किया है जिसमें कि आज की शाम जो है कैदियों का एक प्रोग्राम उन्होंने हमसे चाहा था तो हमने कैदियों का ऑर्केस्ट्रा यहाँ भेजा है जिसमें कि कैदी भी परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में कैदियों के साथ साथ जो जेल का स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा भी यहाँ प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। तो इसमें गाने का
कार्यक्रम है, कुछ डांस के भी प्रोग्राम मैंने प्रस्तुत किए। इसके अलावा हाँ, लगातार ट्रेनिंग लेते हैं वो, चूँकि एक वहाँ समूह बना हुआ है जिसमें कि एक म्यूजिक टीचर है, अन्य टीचर्स हैं जो इनको गाने का, डांस का और वाद्य यंत्र बजाने का प्रशिक्षण लगातार दे रहे हैं, जिससे कि ये सीख रहे हैं। और सीखने के बाद जेल से छूट करके भी बहुत सारे कैदी हैं जो यही काम कर रहे हैं। जो उम्रकैद वाले कैदी नहीं, सभी को अवसर दिया जाता है, पर अधिकांश जो आज आप देख रहे हैं उसमें अधिकांश उम्र कैद वाले कैदी ही है। सोमवार को शहर के शासकीय हाई स्कूल तात्या टोपे पुरानी जेल भोपाल में ऊर्जा डेस्क द्वारा स्कूल की छात्राओं को अपने बचाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम में ऊर्जा डेस्क की मास्टर ट्रेनर नीतू कुंसरिया ने छात्राओं को गुड टच व बैड टच के बारे में बताकर कहा कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो वो है आपकी माँ। कोई भी समस्या आपको होती है तो सबसे पहले अपनी माँ को बताओ। वहीं उन्होंने कहा कि ऊर्जा डेस्क जिले के 17 थानों में है। इस डेस्क का मकसद महिलाओं को थाने में शिकायत करने में जो कठिनाई आती है वो 17 थानों में जो ऊर्जा डेस्क चल रही है उसमें आकर अपनी समस्या बता सकती है। साथ ही छात्राओं से कहा कि घर जाकर अपने मोहल्ले की महिला और घर की महिलाओं को ऊर्जा डेस्क के बारे में बताएं ताकि उनको कोई भी समस्या हो तो वो ऊर्जा डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में थाना जहांगीराबाद की एसआई शशि चौबे, महिला प्रधान आरक्षक अचरा खान, नारी शक्ति के अध्यक्ष अफसा जफर आल मंसूरी, समाज के अध्यक्ष जावेद मंसूरी के साथ स्कूल के शिक्षक मौजूद रहे। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। भाजपा शासनकाल में जनसंपर्क मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी झाबुआ का उपचुनाव जीत रही है। कांग्रेस ने जो पिछले 9 महीनों में प्रदेश के लोगों और किसानों के लिए कुछ नहीं किया उसका प्रतिफल उसको झाबुआ उपचुनाव में देखने को मिलेगा। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि झाबुआ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूरी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह गया है, वह ईमानदार और प्रयत्नशील है, निश्चित ही भाजपा की जीत झाबुआ में होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये ठीक है। कांग्रेस लड़ाई वादा कर रही है, दावा कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि लड़ाई उन्होंने दी और तूफान की बनाई थी, लेकिन वास्तव में हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत यूथ हैं, मेहनत कश हैं और एक एक फलिया तक पहुंचने वाला पहला प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी का काम है, संगठन की रचना है और कांग्रेस की असफलता जो 9 माह की है, जिस तरह से कांग्रेस ने किसान को, गरीब को धोखा दिया है, उसके कारण से जीत भाजपा की सुनिश्चित है। परिणाम आएगा तो परसों फिर मिलेंगे। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी के आंदोलन पर सोमवार को पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह बेचैन हुई जा रही है। मंत्री शर्मा ने कहा कि कर्ज माफी की प्रक्रिया चल रही है और बचे हुए किसानों को भी सरकार दिवाली बाद सौगात देने जा रही है। वहीं सांसद प्रज्ञा पर मंत्री शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर अब भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं बोल पा रही है। ज्ञात हो कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कल महात्मा गांधी को राष्ट्रपुत्र कहते हुए संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी कह चुके हैं 21,000 किसानों के ऋण माफ हो गए हैं, 12,000 जो सोसाइटियों से वो हो गए और दिवाली के बाद बाकी जो बचे हैं इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो चिन्हित हुए हैं 50-55 लाख के बीच में, मैं समझता हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम में वो सब भी हो जाएंगे। बाकी बिजली के बिल कई जगह में गया हूँ, 100 यूनिट जलाने के 100 रुपये आ रहे हैं। किसानों के जो आधे करना था 14,000 से 7,000 वो हो चुके हैं। ये तो विपक्ष में है, कुछ तो करना है। झाबुआ चुनाव में कांतिलाल भुरिया जी की विजय होगी, उसके बाद बौखलाहट में सब चीज़ें होंगी। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।